Now the next concept that we are going to study is about water potential. Okay, it is denoted by this symbol that is known as psi. Okay, then what is basically water potential? According to the principle of thermodynamics, every component of a system is having a definite amount of free energy. मतलब हर एक component में अपना खुद का एक free energy होता है. ये energy वो component use करता है to accomplish a work. तो अभी osmotic movement of water is on the basis of this free energy. When I say osmosis, से water molecules यहाँ से वहाँ move हो रहे हैं, तो when they are moving, they are using this free energy which is present inside them. Free energy per molecule in a chemical system is called as the chemical potential of that molecule. तो उस energy को ही हम लोग क्या बोलते हैं, chemical potential बोलते हैं. Now chemical potential of water is called as water potential. See, I repeat the concept again. हर एक molecule के अंदर energy है which is used to do work. When osmosis होता है तो पानी अपने water molecules अपने इसी free energy को use करते हैं. इस फ्री एनर्जी को हम लोग केमिकल पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, और यही केमिकल पोटेंशियल ऑफ द वाटर इज कॉल्ड एज द वाटर पोटेंशियल. इसको ग्रीक लेटर साई, ये स्पेलिंग है और ये सिंबल है, उसे रिप्रेजेंट करते हैं. वाटर पोटेंशियल ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, सेल का जो साइटोप्लाज्म है, इट इज इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन टू डीपीडी. डीपीडी क्या है, व्हाट वी से इज उसका थर्स्ट है, करेक्ट. मतलब डीपीडी की वजह से ही वाटर एब्जॉर्ब करता है. एंड वाटर पोटेंशियल ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म है उसका अपना जो वाटर कंटेंट है, दैट इज इक्वल टू डीपीडी बट इट इज नेगेटिव इन साइन. ओके, तो वाटर पोटेंशियल का साइन इज नेगेटिव एंड डीपीडी का साइन वैल्यू इज पॉजिटिव. तो इट हैज़ अ नेगेटिव वैल्यू. एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, वाटर पोटेंशियल का हम लोग यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या लिखेंगे, तो न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव में आएगा. एंड उसका यूनिट, जैसे हम लोग के जी एंड ऑल मीटर किलोमीटर ये सब यूनिट्स लिखते हैं, वैसे इसका यूनिट क्या लिखेंगे वाटर पोटेंशियल का, राइट इट एज बार्स या पास्कल्स या एटमोसफियर. दीज आर ऑल यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्रेशर. तो हम लोग इन शॉर्ट प्रेशर को मेजर कर रहे हैं व्हेन वी आर मेजरिंग द वाटर पोटेंशियल. देन वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज ऑलवेज जीरो. ओके, एंड एडिशनल इफ यू एड एनी सोल्यूट, कोई भी पार्टिकल उसमें ऐड करोगे तो उसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा, साय का वैल्यू, इसलिए वो नेगेटिव में जाता है. नाउ डीपीडी जो होता है इज नाउ टर्म्ड एज द वाटर पोटेंशियल ओनली, बिकॉज आई टोल्ड यू बोथ आर इक्वल. देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी इज ऑस्मोटिक पोटेंशियल. ओके, एंड टीपी इज द टर्जर प्रेशर, उसको ही हम लोग टर्जर, उसको ही हम लोग प्रेशर पोटेंशियल भी बोल सकते हैं. ये सब वैल्यूज जो है, ये सब पॉजिटिव वैल्यूज होती है, एक्सेप्ट द वाटर पोटेंशियल विच इज अ नेगेटिव वैल्यू. देन वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम लेस नेगेटिव पोटेंशियल टू मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल. दैट इज वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम व्हाट वी कैन से हाई वाटर पोटेंशियल एरिया टू लो वाटर पोटेंशियल एरिया. तो पानी अगर सेल के बाहर ज़्यादा है तो वहाँ पे उसका वाटर पोटेंशियल इज हाई. ज़्यादा पानी है तो हाई वाटर पोटेंशियल, बट उसका वैल्यू कैसे रहेगा, इट विल बी मोर नेगेटिव. व्हाट वी आई कैन से इट इज लेस नेगेटिव पोटेंशियल रहता है. एंड इट फ्लोज टू मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल. सेल के अंदर पानी कम है सो लो वाटर पोटेंशियल, बट वहाँ पे इट इज़ मोर नेगेटिव वैल्यू है उसका, क्योंकि सॉल्यूट्स ज़्यादा रहेंगे ना अंदर, सेल के अंदर सॉल्यूट्स ज़्यादा है इसलिए वाटर पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है. तो इट मूव्स फ्रॉम लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव एरिया, और वी कैन से इन अदर टर्म्स फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल एरिया. देन डिफरेंस बिटवीन वाटर पोटेंशियल ऑफ द एडजेसेंट सेल्स डिसाइड्स द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा अक्रॉस द सेल्स. तो अभी इसी वाटर पोटेंशियल के रूल के हिसाब से ही एक सेल में पानी ज़्यादा है तो उसका वाटर पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाता है, पानी ज़्यादा है तो सॉल्यूट्स कम पड़ने लगेंगे, इसलिए इट इज व्हाट वी से मोर ऑफ लेस नेगेटिव वैल्यू है. लेकिन वाटर पोटेंशियल इज हाई, पानी ज़्यादा है इसलिए हाई पोटेंशियल, एंड सोल्यूट्स कम पड़ रहा है अभी यहाँ पे क्योंकि पानी ज़्यादा है उस सेल में, तो उसका वैल्यू इज लेस नेगेटिव. एंड बाजू वाले सेल में पानी कम है तो वाटर पोटेंशियल का वैल्यू इज लो, बट द वाटर पोटेंशियल का अगर मैं
वाटर पोटेंशियल इज लो बट वाटर पोटेंशियल का वैल्यू इज बहुत मोर नेगेटिव क्योंकि सल्यूट ज्यादा है, पानी कम है इसलिए सल्यूट ज्यादा है तो इट इज मोर नेगेटिव. तो द वाटर विल फ्लो फ्रॉम द टर्जिड सेल टू द फ्लैसिड सेल, बराबर है. तो सेम वे दैट इज ऑस्मोसिस से भी हमको पता है, बट वाटर पोटेंशियल के टर्म में बोलेंगे तो इट विल मूव फ्रॉम लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल. देन नेक्स्ट टू दैट एंड ऑब्वियसली पानी कहाँ से कहाँ मूव होगा, थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा. दीज आर द कनेक्शंस बिटवीन द साइटोप्लाज्म्स ऑफ द टू सेल्स. देन व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वाटर एब्जॉर्प्शन. तो एक तो मतलब रूट वाटर को एब्जॉर्ब करता है, हम लोग वही कंसेप्ट पे है कि वाटर वहाँ से कैसे अंदर आता है और सेल टू सेल कैसे मूव होता है. तो सेल टू सेल ऑस्मोसिस और वाटर पोटेंशियल और ये सब हम लोग ने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है और ये सारे कंसेप्ट देख लिए. व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन. तो प्रेजेंस ऑफ कैपिलरी वाटर, एक तो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच की गैप्स में वहाँ पे वाटर होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी वाटर. द रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम एट अ सॉइल टेम्परेचर बिटवीन 20-30 डिग्री सेल्सियस में ही पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है अगर इस टेम्परेचर का सॉइल है तो. फिर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन द सॉइल वाटर रिड्यूसेस द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. ये भी ट्रू है, अगर सॉइल में ही सॉल्यूट्स ज़्यादा है तो पानी वहीं पर उस सॉल्यूट्स को डिजॉल्व करता रहेगा तो वो रूट के अंदर नहीं जाएगा. तो सॉल्यूट्स रूट में ज़्यादा चाहिए और सॉइल में कम चाहिए, देन ओनली द वाटर विल मूव फ्रॉम द सॉइल टू द रूट्स. देन पुअरली एरेटेड सॉइल रहेगा तो अगेन पुअर एब्जॉर्प्शन रेट होता है, इसलिए सॉइल शुड बी लूज, देन ओनली द वाटर विल बी प्रेजेंट ओवर देयर एंड विल गेट एब्जॉर्ब इन द रूट्स. तो टाइटली पैक्ड रहेगा तो वाटर कैन नॉट मूव. देन इंक्रीज ट्रांसपरेशन एक्सेलरेट्स यानी इंक्रीजेज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द इरीगेटेड सॉइल्स. तो वेल इरीगेटेड सॉइल मतलब वेल वाटर्ड सॉइल है, तो वहाँ पर अगर प्लांट्स में ट्रांसपरेशन वाटर लॉस ज़्यादा है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी ज़्यादा रहेगा क्योंकि ट्रांसपिरेशन लीव से होता है, अकॉर्डिंगली वाटर पुल होता है बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल. सो दीज आर ऑल द डिफरेंट फैक्टर्स. यू कैन गेट शॉर्ट नोट ऑन दिस डिफरेंट फैक्टर्स, 2 marks शॉर्ट नोट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, देन नेक्स्ट शॉर्ट नोट वी कैन टॉक अबाउट इज प्लाज्मोलिसिस. वॉट इज प्लाज्मोलिसिस? जब हम लोग ने टर्जिड और फ्लैसिड ये कंसेप्ट बात किया तो एनिमल सेल्स में एक्चुअली सेल वॉल नहीं होता, तो सेल के अंदर पानी फ्लूड आ गया तो सेल फूल जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड टर्जिड. एंड श्रिंक हो जाता है जब पानी निकल जाता है तो इट कॉल्ड फ्लैसिड. ओके, अभी प्लांट सेल में क्या होता है ना, द सेल कैन नॉट स्वेल अप टू मच बिकॉज बाहर से सेल वॉल होता है. तो जनरली जब पानी आता है तो इट स्वेल्स अप बट स्टिल द वॉल प्रेशर इज मेंटेनिंग द शेप. बट जब पानी उसमें से निकल जाता है तो साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है लेकिन सेल का शेप श्रिंक नहीं होएगा क्योंकि सेल वॉल इज रिजिड. तो ऐसे वक्त में वो श्रिंक हो गया है, हमको कैसे पता चलता है? वी ऑब्जर्व द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल. वो खाली साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है क्योंकि सेल वॉल श्रिंक नहीं हो सकता. एनिमल सेल में पूरा सेल श्रिंक हो जाता है. तो प्लांट सेल के लिए हम लोग ये अलग टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस एंड डीप्लाज्मोलिसिस. तो जब प्लांट सेल में से एक्सोऑस्मोसिस होएगा, जब वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हम लोग रखेंगे, मतलब बाहर का सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, तो सेल में से पानी बाहर चला जाएगा, तो उस वक्त जो साइटोप्लाज्म श्रिंक होएगा उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, लेकिन सेल का शेप नहीं बदलेगा. ड्यूरिंग प्लाज्मोलिसिस प्रोटोप्लाज्म दैट इज साइटोप्लाज्म विल श्रिंक एंड इट विल रिसीड, मतलब वो निकल आएगा, सेल वॉल से अलग हो जाएगा. थस द सेल विल बिकम फ्लैसिड बोलेंगे हम लोग इस कंडीशन को भी, बट एक्चुअली ये पूरा चपटा नहीं हो गया इसलिए इसको प्लाज्मोलाइज सेल बोलेंगे. प्लाज्मोलाइज सेल में एक गैप डेवलप होगा बिटवीन द सेल वॉल एंड द साइटोप्लाज्म मटीरियल दैट इज द प्रोटोप्लाज्म. दिस गैप इज फिल्ड अप बाय अदर सॉल्यूशंस. ओके, तो पूरा खाली नहीं रहता, वो दूसरे सॉल्यूशंस वहाँ पे भर जाते हैं. देन क्योंकि खाली वाटर मूव आउट हुआ है, देन इन अ प्लाज्मोलाइज सेल मतलब जो अंदर से श्रिंक हो चुका है जिसका साइटोप्लाज्म, वहाँ पे टर्जर प्रेशर ऑब्वियसली विल बी जीरो ना, क्योंकि इट इज नॉट एक्सर्टिंग एनी प्रेशर, नो लिक्विड इनसाइड. व्हेन सच सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में ऐसे सेल को डालेंगे तो वापस उसमें एंडोऑस्मोसिस होएगा क्योंकि अभी अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है और बाहर डाइल्यूट है. तो सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है इसलिए वाटर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तो एंडोऑस्मोसिस होएगा, वापस वो साइटोप्लाज्म पानी एब्जॉर्ब करके नॉर्मल पे आ जाएगा, अगेन इट विल स्टार्ट बिकमिंग फूला हुआ टर्जिड. दिस इज कॉल्ड डी प्लाज्मोलिसिस. तो जो श्रिंक हो गया था दैट वॉज प्लाज्मोलाइज्ड एंड जो वापस नॉर्मल पे आ गया या फूल गया दैट इज कॉल्ड डी प्लाज्मोलाइज्ड. इन अ फुल्ली टर्जिड सेल अभी टर्जर प्रेशर बढ़ेगा, टर्जर प्रेशर
इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर. वी हैव स्टडीड ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा. सो दैट इज टर्जर प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर. अभी डीपीडी क्या हो जाएगा उसका वाटर थर्स्ट, उसका डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. दैट इज डिफ्यूजन अभी बंद हो जाएगा ना, तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट विल बिकम जीरो, क्योंकि इनफ वाटर अंदर आ गया है. सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू.